हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनैना है। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे मेथी दाने के बारे में। ऑलमोस्ट सब लोगों के घरों में मेथी दाना पाया जाता है और बहुत से लोग इसे अपनी रसोई में सब्जी दाल में यूज़ भी करते हैं। तो इसके अलावा ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेथी दाने को यूज़ करें अपने डे टू डे लाइफ में और हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नॉर्मल आजकल जो हो रहा है कि नॉर्मल डिलीवरीज का ट्रेंड खत्म हो रहा है। आज जिससे भी पूछो वो कहेगा भाई सिजेरी हुआ है, बच्चा सिजेरियन हुआ है। और उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है, हेल्थ इशू तो हो ही जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके बाद आज यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि वो प्रॉब्लम भी इसके साथ जुड़ी होती है। उसके बाद डॉक्टर्स को होता है कि इसको निकालना है, काफ़ी इश्यूज होते हैं। और इसका अगर इस सोल्यूशन अगर इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है वो मेथी दाना है। अगर हम प्रेगनेंसी में लेडीज़ को थोड़ा मेथी दाना के लड्डू खिलाते हैं इन प्रेगनेंसी, और इससे भी क्या होता है कि आगे होने वाले यूट्रस की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। और अगर डिलीवरी के बाद डिस्प्लेसमेंट यूट्रस का हो गया है तो उसमें भी हम लोग ये कर सकते हैं कि मेथी दाने के लड्डू हम अगर उस लेडी को देते हैं तो उसको धीरे 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 वो जो यूट्रस है वो अपनी जगह पे आना शुरू कर देता है। ऑलमोस्ट 3 मंथ अगर कंटिन्यू हम उसको देते हैं ये लड्डू, मेथी दाने के लड्डू, तो उसमें उसको काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती है और वो आसानी से वो अपनी जगह पर आ जाता है। और दूसरा बात, जो सबसे बड़ी एक और हमारी जो आजकल की सबसे बड़ी जो हॉट टॉपिक होता है वो डायबिटीज़ होता है, शुगर की प्रॉब्लम, उसमें भी हम लोग मेथी दाना बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर 3 महीने मेथी दाने का शुगर पेशेंट कंटिन्यू यूज़ करता है उससे कि उसका शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या करना है कि हमें 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो के रखना है पूरी रात, और सुबह हमें उस पानी को पीना है। और वो जो मेथी दाना है तो उसे अच्छे से चबा चबा के खाइए। अगर आप 3 महीने कंटिन्यू ऐसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल हो गया है। इसके साथ साथ मेथी दाने को जब हम रात को भिगो के रखते हैं और सुबह उसका सेवन करते हैं, उससे उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट की जो के गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जिनको बीपी का प्रॉब्लम है या फिर जिनको स्किन का कोई प्रॉब्लम है, लूज़ हो जाती है स्किन और जहाँ हेयर फॉल हो रहा है, वो लोग भी इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर ये कहा जाए कि मेथी दाना एक जो नॉर्मल हेल्दी इंसान है वो भी मेथी दाने का यूज़ कर सकता है, लेकिन उसे कंटिन्यू यूज़ नहीं करना है। कुछ 1 वीक का गैप करके या 1 मंथ का गैप करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा, आपके आपको कोई फ्यूचर में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम से या अपनी एक हेल्थ को बनाए रखने में आपको हेल्प करेगा। इससे क्या होता है, जो मेथी दाने के को भिगो के सुबह उसका पानी यूज़ करते हैं उनको हार्ट की ब्लॉकेज की कोई इशू नहीं होता है। इससे क्या होता है कि आपका कोई हार्ट सॉलिड रहता है, कोई ब्लॉकेज का इशू नहीं होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बीपी कंट्रोल में रहता है। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू ढंग से भी अगर ये पानी का यूज़ करते हैं तो उसको हाई बीपी को भी कंट्रोल करेगा। वात की प्रॉब्लम्स, गठियों का दर्द, किसी तरह कंधे का दर्द है, बैक पेन है, मोस्टली देखा होगा लेडीज़ को बैक पेन डिलीवरी के बाद बहुत बैक पेन होता है, लेग्स पे, गठियों पे, और बहुत ज़्यादा पेन रहता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है अगर वो लोग भी रात को मेथी दाना भिगो के रखते हैं, सुबह उसको अच्छे उस पानी को पी के और दानों को चबा चबा के खाते हैं, वो भी इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और जैसे मैंने बोला हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी आप यूज़ करते हैं, स्किन की प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिजेरियन जिनके बच्चे हुए हैं वो यूट्रस की डिस्प्लेसमेंट का वो इशू हुआ है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये गारंटीड है। इसमें अगर आप कंटिन्यू उसको अच्छे ढंग से उसके लड्डू बना के उसको यूज़ करते हैं तो उसमें जो आपका प्रॉब्लम हुआ है, जो आपका यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको भी वो सेटल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टोन की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इस आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और मेथी दाना का आप यूज़ करिए, आप हेल्थी हैं, आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको भी आप इस चीज़ का उसको भी आप ये बेनिफिट बताइए ताकि उसको आगे जाके डिलीवरी के बाद किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, अगर हो सके तो कम से कम उसे कन्विंस कीजिए कि वो कोशिश करे कि वो आपका बेबी या आपका जो डिलीवरी है उस आपके जो वाइफ की, बहन की, किसी की भी जो डिलीवरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉर्मल करे, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी बहुत ज़्यादा एक तरह का इफ़ेक्ट लेडी की बॉडी में करता है। उसमें हार्मोन्स बैलेंस एक बिगड़ जाता है जिससे कि उसकी हेल्थ पर काफ़ी इशू होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।